हेलो एवरीवन, आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कोर कंसेप्ट देखेंगे और वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सो फर्स्टली व्हाट इज क्लास। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास इज अ टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, और वी कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं स्टूडेंट क्लास। क्लासेस जो होते हैं वो लॉजिकल एंटिटी होते हैं, मीन्स वो सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं, उनकी कोई मेमोरी नहीं होती। सेकेंड कोर कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास विच हैज सम स्टेट एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल पेन, बैग, और ये जो ऑब्जेक्ट होती है ये फिजिकल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है। अभी जो ऑब्जेक्ट होती है उसके थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेट। ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड बिहेवियर। बिहेवियर रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज internally by JVM to identify each object uniquely. For example, pen is an object, its name is Renard. So color is white. So white is a state of that pen and it is used for writing. That's why writing is the behavior of that pen.